प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज की स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को सुनेंगे। आज इसका पार्ट वन आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ और उसकी व्याख्या को बताऊँगा। तो आइए आप लोग पहले इसके गीत को देखें, फिर इसकी व्याख्या को बताते हैं। गीत है, इसीलिए इसे गाकर बताना पड़ेगा। चिर सग गया जी आज पैसा जस माना जाग तुझको दूर जाना जाग तुझको दूर जाना चिर सग अचल हिंगिर के हृदय आज चाहे कंप हो ले।
कान न हो जो हिल न सके, यानी एक जगह स्थिर होना है को ही हम अचल कहते हैं। हिमगिर अर्थात बर्फ का पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत। हृदय आज चाहे हृदय का टूटा हृदय, आज चाहे कंप होले अर्थात कंप करना अर्थात हिलना डुलना, ठीक है ना, या कंपन करना। फिर एक बार देखें महादेव वर्मा क्या करेंगे, यानी अचल हिमालय, अचल हिमालय का युद्ध हृदय आज भले ही कंप करने लगे अर्थात जो नहीं होना है आज वो भले ही हो जाए, अर्थात हिमालय कभी हिल डुल नहीं सकता लेकिन आज वो भले ही कंपन करने लगे। कहने का अर्थ ये है क्योंकि स्थिति के विरुद्ध भले ही तुम्हारे विरुद्ध कोई भी परिवर्तन भले ही हो जाए, तुम्हें अपने पैरों को स्थिर रखना है, अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना है क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। इसलिए महादेवी वर्मा कह रही हैं कि अचल हिमालय पर्वत का हृदय भले ही कंपन करने लगे, या बोले कि आंसुओं में मौन अर्चित व्योम रोल है, मौन अर्चित व्योम रोल है। ये मौन अल्पित व्योम अर्थात ये जो पूरा आकाश जो मौन है, इस समय प्रलय रूपी आंसुओं से भले ही रोने लगे अर्थात ये आकाश प्रलय की बारिश भले ही करने लगे, यानी आकाश प्रलयकारी बारिश भले ही करने लगे, भले ही अपने बारिश से प्रलय मचा दे लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य के मार्ग से पीछे नहीं है। आज भी आलोक के को डोले तिमिर कोई की घोर छाया, आज भी आलोक, आलोक का अर्थ होता प्रकाश, को डोले तिमिर, तिमिर का अर्थ होता अंधकार की घोर छाया। फिर यहाँ पर यहाँ तिमिर अंधकार की घोर छाया प्रकाश को आज भी अर्थात भले ही निकल जाए, भले ही पी ले अर्थात भले ही विपरीत परिस्थिति आ जाए। फिर एक बार देखो अंधकार अपनी घोर छाया से प्रकाश को भले ही क्या कर ले, निगल ले या उसे समाप्त कर दे, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य के मार्ग अपने साधना के मार्ग से भटकना नहीं है। जागे आप विद्युत सिखाओ में निठुर तूफान बोले, जागे आप विद्युत सिखाओ, ये जो आकाशीय बिजली है वो बिजली जो है अनेक शिखाओं से होकर भले ही कड़कने लगे, निष्ठुर तूफान बोले और भयावह ये निष्ठुर निर्मम तूफान भले ही आ जाए, बिजली भले ही पौधने लगे लेकिन तुम जागो क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। इसलिए साधना के पथ से पीछे नहीं हटो, अपने को जगाओ, अपने को सतर्क रखो। पर तुझे है नाथ पथ पर्ची में अपने छोड़ जाना। फिर आगे कह रहे हैं पर तुझे है नाथ पथ पर, इस नश्वर जीवन के रूपी रास्ते पर, यानी मर्द लोग नश्वर हैं, यहाँ जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना होता है, तो इस नश्वर जीवन के रूपी मार्ग पर, इस नश्वर जीवन रूपी रास्ते पर अपने पद चिन्हों को छोड़ना है, अपने कर्तव्य तुम ऐसे कर्म करो जो आने वाली पीढ़ी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे कर्तव्यों का अनुकरण करते हुए आगे बढ़े। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो नश्वर शरीर रूपी जो मार्ग है इस पर अपने पग चिन्हों को छोड़ना है, इस पे अपने पग चिन्हों को छोड़कर तुम्हें आगे बढ़ जाना है। क्यों जागे तुझको दूर जाना, इस प्रकार जगो, तुम अपने को जगाओ क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, साधना के पथ पर अभी बहुत आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों हम आशा यही करते हैं कि इस पद की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले पद लिखकर उसकी व्याख्या को बताते हैं। आगे आप लोग देखें बाद लेंगे क्या तुझे अनुम के बन गीत है, गीत के माध्यम से पढ़ें। बाद लेंगे क्या तुझे अनुम के
मंत्र की बाधा बनेंगे तितलियों के पंख रंगीले। विश्व का क्रंदन बुला देगी मधु के मधुर गुण, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दलों से गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आँखें उन्नीद आज कैसा व्यस्तवाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे आप इसकी व्याख्या देखें। फिर महादेव वर्मा आगे कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंख की बाधा बनेंगे तितलियों के पंख रंगीले। फिर आगे कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, क्या तुम्हें मोम के बंधन अर्थात मोह माया का बंधन जो मोम की तरह है, जो बाद में पिघलकर नष्ट होने वाला है, मोह माया का बंधन जो भी है नश्वर है, अर्थात इस जीवन को तुमने जो ग्रहण किया है मोह माया के बंधन में पड़े हो, क्या इसी मोह माया के बंधन में उलझे रहोगे, क्या ये मोह माया का बंधन तुम्हें बांधे रखी है, क्या ये मोह माया का बंधन कैसे है मोम की तरह है, जिस तरह थोड़े से तपन मिलने के बाद अर्थात अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ये मोम पिघल कर अपनी स्थिति को समाप्त कर देते हैं, ऐसे बंधन मोम के जो तरह बंधन है, इस बंधन में यह बंधन क्या तुम्हें बाध देंगे या इस बंधन से तुम्हें आगे बढ़ना है, इसको तोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि साधना के पथ पर तुम्हें आगे जाना है, इस प्रकार तुम जगो क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। फिर एक बार महादेव वर्मा कह रहे, क्या ये मोह माया का बंधन जो मोम के तरह पिघलने वाले हैं, क्या ये तुझे बांध देंगे, अर्थात तुम इस मोह माया के बंधन से बंधना मत, इसे छुटकारा ले लेना, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर आगे जाना है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पंख रंगीले, ये जो रंग बिरंगे तुम्हारे क्या है रिश्ते और नाते हैं, ये रंग बिरंगे क्या है जो रिश्ते और नाते हैं, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, ये चाचा है, ये पिता है, माँ है, ये इसी की बात कर रहा है कि ये रंग बिरंगे ये जो बंधन है, ये जो तितलियों के पंख के समान जो अनेकों प्रकार से हैं, अनेकों रंगों में सजे हुए हैं, क्या ये तुम्हारे रास्ते की रुकावट पैदा करेंगे, या तुम्हारे रास्ते को बांध देंगे, या तुम्हारे रास्ते को रोक सकते हैं, ये ऐसा कर्म करो ये तुम्हारे रास्ते की रुकावट न बने, क्योंकि तुम्हें इनको तोड़ करके तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर आगे देखेंगे एक बार, क्या वो माया का बंधन जो मोम के आकार का है, जो थोड़ा सा आँच या तपन लगने से पिघल जाता है, क्या ये तुम्हें बांध लेंगे, क्या इस मोह माया के बंधन में पड़े रहोगे, क्या तुम्हारा मोह माया का बंधन जो रिश्ते और नाते हैं, जो तितलियों के पंख के समान रंग बिरंगे हैं, ये क्या तुम्हारे रास्ते का को अवरुद्ध करेंगे, या तुम्हारे मार्ग को बाधा पहुंचाएंगे। फिर आगे कहते हैं, विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन। विश्व का क्रंदन, ये जो विश्व है संसार है, क्रंदन का अर्थ है करुण रूप से रोना, अर्थात जो संसार दुखी है, जो करुण क्रंदन कर रहा है, इसको क्या भौरे की मधुर गुनगुन, ये मधुर भौरे की मधुर गुनगुन रूपी जो विश्व का क्रंदन है, जो विश्व का करुण क्रंदन है, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दलों से गीले। क्या फिर आगे यही देखें, ओ क्या तुम्हें विश्व के करुण क्रंदन जो भौरों के मधुर गुनगुन की तरह तुम्हें सुनाई दे रहे हैं,
अर्थात विश्व का कमल करंदन को याद करो, न कि भौरे के मधुर गुनगुन को सुनो। यानी ये कहा जा रहा है। फिर आगे क्या फूल के दलों से भी है, फूलों के दलों पर, फूल का दल अर्थात पंखुड़ियों का समूह, एक है फूल का दल, फूल के दल पर जो ओस की बूंदें जो पड़ी हुई है, क्या वो क्या तुम्हें डुबा देंगी, अर्थात क्या तुम फूल के दलों के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं क्या उसमें तुम डूब जाओगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है जो तुम जो नई नवेली तुम्हारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तुम्हारे परिजन हैं, ये जो ओस के बूंद के समान है, क्या वो तुम्हें डुबा देंगी, क्या उसमें तुम डूब सकते हो। इसलिए उसमें डूबना नहीं है, उससे छुटकारा पा के तुम्हें अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। फिर एक बार देखो, क्या विश्व का, क्या तुम भौरे के मधुर गुनगुन को सुनकर क्या विश्व के करुण कंगन को भुला दोगे, क्या तुम फूल के दलों पर पड़े हुए ओस के बूंदों से ओस की बूंदें तुम्हें डुबा देंगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इसमें इसे छुटकारा पाकर तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। आगे देखो, तूने अपनी छा को अपने लिए कारा बना, इसलिए तुम अपनी छा अर्थात अपने प्रतिबिंब को अर्थात अपने संबंधों को, अपनी छा अर्थात अपना प्रतिबिंब अर्थात अपने संबंध अर्थात आगे अपने सगे संबंधियों को अपने लिए कारा मत बना, अर्थात अपने लिए बाधा या रुकावट मत बना। फिर आगे बढ़े, कर अपने छा अर्थात अपने प्रतिबिंब अर्थात अपने छा को अपने सगे संबंधियों को में पढ़कर, अपने सगे संबंधियों में पढ़कर अपने लिए कारा बना रहे हो, अपने लिए रुकावट पैदा कर रहे हो। जाग, इस प्रकार जगो, उसे छुटकारा लो, इस प्रकार जगो, और क्यों तुम्हें दूर जाना है, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सुबह आप लोग महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस गीत की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से सुने हैं। हम आशा यही करते हैं यह व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले पद की व्याख्या अगले दिन बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।